नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर किया जा रहा है मिट्टी खनन। नजीराबाद पुलिस के रहमो करम पर हो रहा है खनन, कार्रवाई के नाम पर करती है धोखा। मौका मुआयना किए बिना उल्टे पैर भागी नजीराबाद पुलिस। नाइट कर्फ्यू के स्पष्ट उल्लंघन पर नजीराबाद पुलिस खामोश। क्षेत्रवासियों के मुताबिक भूमि पर कब्जे को लेकर लंबे वक्त से चल रहा है विवाद। भूमि विवाद समेत मिट्टी की अवैध खुदाई पर केडीए कब करेगा कार्रवाई। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर कानपुर नगर जिला अधिकारी आलोक कुमार तिवारी द्वारा कानपुर शहर में आवश्यक सेवाएं और इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़ शेष सभी के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। इसका अनुपालन कराने की पूरी जिम्मेदारी कानपुर पुलिस के हाथों में सौंपी गई थी। प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ ने स्वयं को आइसोलेट कर लिया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही। ऐसे में कानपुर नगर के थाना नजीराबाद अंतर्गत एक विवादित भूमि से माफियाओं के द्वारा अनाधिकारित एवं अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई किए जाने का काम किया जा रहा था, जिसमें पूरी तरह से नजीराबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस वक्त कोरोना ने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में घमासान मचा रखा है। दिन पर दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारा प्रशासन भी है मुस्तैद नज़र आ रहा है। पुलिस कर्मियों को योगी आदित्यनाथ जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पुलिस कर्मियों को कोरोना वॉरियर कहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपके यही कोरोना वॉरियर अवैध खनन करवा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से, मैं अनुरोध करूंगा दिखाइए किस प्रकार से ये कोरोना वॉरियर का ताज जिनको पहना जाता है सरेआम सरकारी जमीन शौचालय की जमीन पर ये अवैध खनन करवा रहे थे। एक तरफ पुलिस को जानकारी दी जाती है और पुलिस मौके पर आती है, लेकिन तब आती है जब पुलिस जैसे अवैध खननकर्ताओं को जानकारी एक तरफ दे देती है कि यहाँ पर पत्रकार आ गए हैं, आप मौके से निर्धारित हो जाइए। पहले अवैध खनन करने वाली गाड़ियाँ और ट्रक मौके से गायब होते हैं, उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस मौके पर रुकती रही, पत्रकारों को देखकर भाग जाती है। यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस नहीं रुकी। क्या पुलिस की इसमें संलिप्तता नहीं है? एक तरफ सीओ नजीराबाद को फ़ोन किया गया, इंस्पेक्टर नजीराबाद को फ़ोन किया गया, लेकिन किसी का भी संतोषजनक जवाब नहीं देखने को मिला। आखिर क्या समझा जाए, क्या इनकी संलिप्तता है? कैमरा पर्सन संजीव गुप्ता के साथ प्रांजल मिश्रा, कानपुर। ताज़ा मामला कानपुर के थाना नजीराबाद अंतर्गत सागर रत्ना रेस्टोरेंट के ठीक बगल स्थित विवादित भूमि में नाइट कर्फ्यू के दौरान जेसीबी और तीन डंपरों के माध्यम से मिट्टी खुदाई का काम किया जा रहा था, जिसके संबंध में जब नजीराबाद थाना प्रभारी ज्ञान सिंह से बात की गई तो उनके द्वारा दिन में भीड़ भाड़ होने की वजह से रात्रि में मिट्टी की खुदाई की बात की गई, लेकिन जब इस संबंध में ACP नजीराबाद संतोष कुमार सिंह से बात की गई तो उनके द्वारा मिट्टी की खुदाई को आवश्यक एवं इमरजेंसी सेवाओं से इत्र बताते हुए मौके पर थाना प्रभारी को भेजने की बात की गई। किंतु जब मौके पर थाना नजीराबाद पुलिस पहुंची तो पुलिस के द्वारा मौका मुआयना करना भी उचित नहीं समझा गया और पुलिस की गाड़ी बिना रुके ही वापस लौट गई, यानी उल्टे पैर 9:00-11:00 हो गई। वही क्षेत्रवासियों द्वारा इस भूमि को विद्यालय की भूमि बताया जा रहा है, जिस पर लंबे वक्त से कई माफिया अपनी नज़र टेढ़ी किए बैठे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कानपुर विकास प्राधिकरण समेत कानपुर पुलिस भूमि विवाद समेत नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई करता है। कानपुर से संवाददाता प्रांजल मिश्रा की खास रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।